नाम नहीं लूंगा, खराब आदमी के नाम लेने से फायदा क्या? उधर में गया था, ठीक नहीं लगा, मैं फिर पलट आया, वापिस आ गया। हम बोले तो अच्छा किया, बोला उधर ठीक नहीं लगा, आप लोगों को ठीक कैसे लगता है? अब बोला गोबरा भेबरिया रतिया मुड़ के आइए जाएगा लेटवा के पास, फिर बिहान भेबरिया गोबरे में जाएगा, वो भेबरिया समझ रहे वो कीड़ा है नफा कीड़ा। अगर जिसको आदत बन गई है जहां रहने की, उसको कितनो अच्छी जगह पे बैठाइए। ए बाबू जा घर चल जा, जा जा नींद आ रही, जा मैं ठीक है सुन रहा, जवाब दे रहा हूँ माशाल्लाह, ठीक बैठो बैठो, अल्लाह सलाम। हम जहाँ हैं वही हैं और हम लोग अच्छी जगह में हैं, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग अच्छी जगह में हैं, कोई इल्जाम लगाता है कि उधर गए तो उधर हमको अच्छा नहीं लगा, उसमें खराबी है। बेवकूफ कहीं का पहले अपने को देख के तुझ में खराबी है कि इधर में खराबी है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक मिसाल ले लीजिए, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा चांद देखे, मुहर्रम का चांद देखा गया, मुहर्रम का चांद नहीं देखे, कौन सा चांद देखे थे? अरे बोलन भाई, जिलहिज्जा शरीफ का चांद देखे। जिलहिज्जा के चांद देखने में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सही बात है कि नहीं? किसी से कहा भी या तथा भी ऐलान जब हुआ था ना कि पीर के दिन सोमवार के दिन चांद होगा, इसलिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, तो एक दो आदमी बोला 10 दिन है ना पता चल जीते, कोई मेहनत नहीं करेगा, 10 दिन पता चल जीते, हम कौन देखने जाएगा अभी। लेकिन यही ईद का चांद हो और वो भी 29 तारीख में ईद का चांद होने वाला है, तो ठीक से अफ्तारी भी नहीं करेगा, और अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है तो फटाफट 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 जल्दी से बाहर निकला। और कुछ लोग तो बगैर नमाज पढ़ ले, इसलिए वो रोजबन रखा था, रोजा खोलबुन किया पहले से लगा लो देखने में कि अब चांद नजर आएगा, तब चांद, सब लोग मुंतजर रहता है चांद देखने के। अब उसी में अगर कहीं हल्ला हो गया कि चांद दिख गया, चांद दिख गया, बताओ मोहल्ले घर के सब लोग बाहर निकल जाते हैं चांद देखने के लिए, ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ऐसा होता है ना, सब लोग निकल जाते हैं चांद देखते हैं, किधर है किधर है, तो कोई कहता है देख 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 देख, वो खुटवा है ना अकेले सामने देख, देख ऊपर में है भाई, ऐसे दिखा देते लोग। इसी तरह चांद का हल्ला हुआ कि चांद हो गया, चांद हो गया, पूरे मोहल्ले मार रहा, औरत सब अपने घर के छत पर बाहर निकल करके देख रहे हैं, एक औरत वो भी सोची कि हम भी जल्दी से करके हम भी चांद देखेंगे। इतने में उसका छोटा सा बच्चा था, वो पखाना किया था, बोला कि जल्दी से चांद देखने जाता तो उधर बोला कि नहीं मम्मी इधर साफ कर, देखा इधर बच्चे को साफ करना, तू जल्दी से बच्चे को पानी के करीब ले गया और लोटा में पानी लिया और जल्दी से उसका जो है सो साफ किया, धोया, और धोने के बाद जल्दी बाजी में थी ना, धो करके जल्दी में बाहर निकली और दूसरे से करे किधर चांद देखे थे, दिखा दीजिए किधर, बोला ये देख गछवा है ना, बस इसका टहनिया जो दहना तरफ है बस ऊपर में देख, तो ऐसे करके वो देख रही, ऐसे देख रही थी, देखते देखते हाँ 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 देख लिया देख लिया देख लिया, बोला हाँ देख लिया कि चांदा ठीक ये है लेकिन गांधा कैसे है, अजीब चांद ठीक है लेकिन बदबू है चांद में, चांद में बदबू, अरे हर साल चांद सब लोग उसको देखने लगे, ये चांद में बदबू कहाँ, अरे पागल है क्या? बोला नहीं चांद में बदबू है, तो लोग देखा कि इसके करीब आया, सही बात यहाँ बदबू है, बोला पागल है चांद में बदबू नहीं, अंगुलियां में, पहले अपनी अंगुलियां साफ कर, चांद पे इल्जाम लगा रहे, अपने में गंदगी लगी है और उधर इल्जाम लगाते हो, कोई कहता है कि बरेली भी ठीक नहीं है, आला हजरत का मसलक ठीक नहीं है, वहाँ के बुजुर्ग ठीक नहीं है, हमें उन्हें ठीक तुम्हें कम समझ में आएगा, जब तुम खुद साफो सफाप रहोगे, खराबी तुम में है, अपनी खराबी को दूर करते, अनानियत को दूर करते, अपने मन को जैसे तुम पाक करते हो, इसी तरीके से दिल और मन को पाक करो, अगर
बात भी आ गया। जिंदाबाद, बहुत सलामती अता फरमाए मेरे मुसलमान भाइयों। अपने आप को सुधारो, वक्त ज्यादा हो गया और इस कम वक्तों में बहुत सारे बातें करनी थी, लेकिन वक्त इसकी इजाजत हमें नहीं दे रहा है। और इस वक्त देख रहे हमारे बुजुर्ग उलमा तशरीफ रखे हुए हैं, खतीबो इमाम आहिस्ता आहिस्ता हमारे मिस भाई साहब क़िबला पीछे हट गए। अमजदी साहब क़िबला बहुत पीछे हो गए। उनको मालूम है ना कि रात भर जग रहे कितनी बड़ी सजा है। आप लोग तो जाइएगा खर्राटा लेकर के सूत रही है, कोई टेंशन तो अभी है नहीं, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन हजरत इमाम साहब को फजर भी देखना है, सब मौलवियों को नमाजियों को फजर देखना, फजर भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है, सुबह को बच्चों को भी पढ़ानी है। अभी